आज फिर आपको हम बसपा की जो खबर है वो दिखाने के लिए पहुंच चुके हैं फतेहपुर सीकरी। थोड़ा सा ये समझना चाह रहे हैं कि यहाँ बसपा का माहौल क्या है। बहुत बढ़िया। हाँ, अब की बार पूर्ण जनता ने मन बना लिया है ये बीजेपी सरकार को बदल देंगे। शिक्षा के बच्चे हैं, बच्चे पढ़ रहे, युवा हैं, पढ़ते हैं, पेपर छः छः साल हो जाती है, पाँच पाँच साल हो जाती है, कोई भर्ती क्लियर नहीं हो पाती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्रवण चौहान। आज फिर आपको हम बसपा की जो खबर है वो दिखाने के लिए पहुंच चुके हैं फतेहपुर सीकरी। और आप देख सकते हैं कि यहां पर बसपा के राष्ट्रीय महासचिव राज्यसभा सांसद कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं, जिसको लेकर यहां पे तैयारियां कर ली गई हैं। और यहां पे जो उनकी एडवांस टीम है, जो सिक्योरिटी की टीम है, वो यहाँ व्यवस्था देख रही है। आपको हम बता दें कि यहाँ पर देखिए कुर्सियाँ लग चुकी हैं और यहाँ पर लोग इंतज़ार कर रहे हैं, अभी कुछ ही छड़ों में यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। इसके अलावा आपको अवगत करा दें कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है, COVID-19 के जो नियम हैं उसका पालन किया जा रहा है और कुर्सियाँ पूरी तरीके से यहाँ पर लगी हुई है। फिलहाल आप यहाँ पे देखिए कि ये एक लॉन है और इसमें कैमरा पर्सन से कहेंगे कि उधर दिखाएँ, इसमें पूरी तरीके से लोग बैठे हुए हैं और अभी लोगों का आवागमन जारी है। ये आप देख सकते हैं कि वहाँ पर सतीश चंद्र मिश्रा जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो सामने कुर्सियों पर बैठे लोग हैं, ये पूरी तरीके से उनकी बातों को सुनेंगे और सतीश चंद्र मिश्रा जो यहाँ के प्रत्याशी हैं उनके लिए वोट भी मांगेंगे। यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि यहाँ का माहौल क्या है और यहाँ तैयारियाँ कैसी चल रही हैं। सबसे पहले एक ताऊ हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? बच्चू सिंह। बच्चू सिंह। सिंह, हाँ। अच्छा बच्चू सिंह जी, ये बताइए कि हम थोड़ा सा ये समझना चाह रहे हैं कि यहाँ बसपा का माहौल क्या है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया माहौल है। अच्छा, यहाँ पर सतीश मिश्रा आ रहे हैं कीटम जी पे और यहाँ बढ़िया वोट मांग में आए। अच्छा, ये देखिए एक भाई साहब हैं, बढ़िया चश्मा लगाए, हीरो वाला लुक है। क्या हाल है? बढ़िया हालचाल। अच्छा, कहाँ यही रहते हैं जी? ये बताइए कि बसपा का यहाँ माहौल क्या है इस विधानसभा? बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। यहाँ से वो सीट निकल रही है बसपा प्रत्याशी डॉक्टर मुकेश राजपूत जी की। और क्या हो रहा है? मैं क्या और क्या माहौल है यहाँ का? यहाँ बसपा प्रत्याशी से सबकी टक्कर है। अच्छा, ये बात है। आपका क्या नाम है भाई साहब? शैलेंद्र सिंह मेरा नाम है। और यहाँ पे मुकेश राजपूत जी बहुत अच्छी संख्या में जीत रहे हैं और युवाओं का भरपूर सहयोग मिल रहा है उन्हें। वो खुद से एक शिक्षित हैं और ऐसी शिक्षित युवा बहुत सारे जुड़ रहे हैं उनके साथ। अच्छा दादा, ये बताइए कि यहाँ पे इससे पहले कौन विधायक थे? इससे पहले उत्तरवान सिंह। कौन सी पार्टी के थे? बीजेपी की। तो काम वाम कराएंगे? नहीं कराए। कुछ काम नहीं कराया है। अच्छा, मंत्री भी रहे हैं, कोई काम नहीं कराया उन्होंने। अच्छा, ये बात है। तो क्या अब की बार जनता मन बना रही है कि बदला जाए? हाँ, अब की बार पूर्ण जनता ने मन बना लिया है ये बीजेपी सरकार को बदल देंगे। अच्छा, ये आगरा में फतेहपुर विधानसभा है और यहाँ का अगर जातीय समीकरण की बात की जाए कि कितने कौन सी जात है, तो क्या ये आप बता सकते हैं कि कितनी जात यहाँ पे है, दलित कितने परसेंट है या इस टाइप में कुछ जानकारी है? 80% दलित है। अच्छा, 40% लोधी समाज है और 20% ठाकुर हैं। अच्छा, यानी कहने का मतलब यहाँ पे जो दलित समुदाय है वो काफ़ी ज़्यादा है ना? तो यहाँ पे एक भाई साहब और आए हैं, हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? युवा नेता है आप? जी, मेरा नाम मनोज कबीरा है। अच्छा, कबीरा जी। अच्छा, कभी भी है क्या? कभी तो नहीं है, अभी स्टडी कर रहे हैं और सभी युवाओं में राजनीतिक की चेतना फैला रहे हैं। देखिए, इनमें बढ़िया जोश है और अच्छे वक्ता भी, हम इनसे बात करते हैं क्या चेतना फैला रहे हैं। देखिए, आपको मैं बता दूँ कि हमें एक ऐसी सरकार को चुनना है जो स्पष्ट सरकार हो, सभी लोगों की जान की माल की रक्षा करती हो। देखो, आप देख रहे हैं बीजेपी सरकार में क्या हो रहा है। शिक्षा के बच्चे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, युवा हैं, पढ़ते हैं, पेपर छः छः साल हो जाती है, पाँच पाँच साल हो जाती है, कोई भर्ती क्लियर नहीं हो पाती है। अब देखो, टेट का पेपर था, टेट का पेपर बच्चे पेपर दे रहे हैं, पेपर लीक हो गया, उसके बाद में पेपर बच्चों से छीन लिया गया। बताइए, बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, बच्चे चने खा खा के पढ़ते हैं। बच्चों से हालात पूछिए आप।
बच्चे चने खा के पढ़ते हैं और ये बच्चों की युवाओं की शिक्षा के बिल्कुल धज्जी उड़ा रहे हैं। आपको किससे उम्मीद है? देखिए हमेशा उम्मीद हमारी तो बसपा से रही है और इस बार भी देखना बसपा आई सत्ता में और युवाओं के लिए बड़ा दमखम दिखाएगी बसपा सरकार। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि बसपा लड़ाई में रहेगी। किस में रहेगी? कह रहे हैं बसपा कह रहे हैं लड़ाई में नहीं, बहुत सी पार्टियां कह रहे हैं, न्यूज चैनल कह रहे हैं। नहीं ऐसा तो नहीं है, वो तो गोदी मीडिया है। ये आपको मैं बता दूं, कोई भी मीडिया हो स्पष्ट दिखाती है, बसपा को तो कभी आगे लाती नहीं है। बताइए आप मुझसे नाम पूछिए, मैं हर मीडिया का नाम बताऊंगा कौन सी मीडिया आपको आगे ला रही है बसपा को। सब पीछे दिखाते हैं बसपा को, ओनली सिर्फ भाजपा। क्या ओनली भाजपा? एक मीडिया आगे दिखा रही है। कौन सी मीडिया दिखा रही है? सोशल मीडिया। अरे सोशल मीडिया तो ये ताकत है सबकी, ये किसी की नहीं है, ये सबकी है, आम जनता की सोशल मीडिया है। तो यही तो पावर है जनता की सोशल मीडिया। बताइए आप मुझे, वही जो हम कहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक चीज़ बताइए, यहाँ के विधायक बताते हैं कि कोई बीजेपी के थे और यहाँ मंत्री भी रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, काम वाम उनका कैसा रहा? देखिए काम मैं क्या बताऊँ आपको, बता दीजिए पूरी विधानसभा 11 विधानसभा फतेहपुर सीकरी के सभी सर्व समाज के लोग सभी गाँव से इकट्ठा हुए हैं। सबसे पूछिए जो सांसद रहे हैं, जो आपके विधायक रहे, कितनी बार गाँव में गए हैं और गए हैं नहीं गए हैं, एक एक गाँव के ऐसे व्यक्ति बता सकता हूँ मैं आपको। वो ये कह रहे हैं कि हम घूमे हैं कि आज तक कोई भी विधायक, आज भी कोई भी सांसद, कोई भी आज तक गांव में ही नहीं गया, सिर्फ आते हैं वोट मांगने के लिए आते हैं। सिर्फ एक ये बसपा एक ऐसी पार्टी है जिसका कहीं पे भी विरोध नहीं है, ये सिर्फ एक विकास पुरुष के नाम से जाने वाली पार्टी है। अभी बहन जी आगरा में आई थी, उसके बाद से माहौल यहाँ का क्या हुआ? पहले भी अच्छा था और बहन जी आने से तो और ही माहौल बढ़ गया है। अच्छा सोने पे सुहागा। अरे सोने पे सुहागा ये तो बहुत बड़ा सुहागा हो गया भैया। यहाँ पे बताते हैं 9 सीटें हैं। जी जी 9 सीटें जीत रहे हैं या फिर एक दो छोड़ रहे हैं? देखिए मैं आपको बता दूं, ये तो जनता बताएगी, समय बताएगा और सबका प्यार, जनता का प्यार मिल रहा है। 9 की 9 सीट निकल रही है, एक भी सीट बाकी नहीं है यहाँ की, एक भी सीट बाकी नहीं है, 9 ही सीट निकलेंगी और ये तो समय बताएगा। आने तो नतीजे आने तो चुनाव के, देखते हैं क्या पार्टी का नतीजा रहेगा, किसी किसका। चलिए हम आपसे बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमने आपको सबसे पहले यहाँ का माहौल दिखाने का काम किया, उसके बाद आपने देखा कि यहाँ की जो जनता है वो बसपा को पूरी तरीके से जिताने की बात कर रही है। फिलहाल ये देखना बड़ी बात है कि यहाँ कितना ज़्यादा प्रभाव बसपा का रहता है। श्रवण चौहान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।